सारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में चर्चा है। टीएस बाबा को आखिर चुनाव से 3 से 4 महीने पहले उप मुख्यमंत्री बनाया क्यों? कांग्रेस पार्टी ने इस पर डिबेट छिड़ी है, कई तरह के तर्क आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कुछ पाया कि नहीं, टीएस बाबा ने कुछ पाया कि नहीं, इससे ज्यादा जरूरी कांग्रेस ने क्या बचा लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ी समझदारी से मंथन के साथ में जिस वक्त के ऊपर यह ऐलान किया, इसके साथ ही सरगुजा में कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि दबाव के चलते नहीं, वक्त आने पर पार्टी फैसला लेती, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये कि अब टीएस बाबा अपनी जिम्मेदारियों का चुनाव में आगे भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे, कार्यकर्ता उनका साथ दें, क्योंकि पार्टी का जो एक सो कॉल्ड अधूरा वायदा था वो पूरा हो चुका है। तीसरी बात यह कि जिस फॉर्मूले को लेकर लगातार कांग्रेस को घेरा जाता रहा, यह फॉर्मूला वैसा नहीं और स्वरूप में सामने नहीं आया, और एक ऐसा फॉर्मूला है जो बाकी के स्टेट में बहुत बेहतर रिजल्ट कांग्रेस पार्टी को देता रहा है।